चारों तरफ से आशीर्वाद बा पवन के ऊपर। हमको हमारी लड़ाई यहाँ किसी से है ये नहीं है। हम चुनौती किसी को नहीं मानते हैं। हम ही चाहब कि जनता के आशीर्वाद के साथ 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 एहू लोग के आशीर्वाद हमके मिले। मेरे दिल में यही अरमान है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ पवन के लिए चारों तरफ से दुआ निकले, आशीर्वाद निकले। मुझे काराकाट की जनता की खुशी में ही हमारी खुशी है। मंदिर में बैठ के पूजा कर रही है, हमार बहन मंदिर में बैठ के पूजा कर रही है, भाई के लिए दुआ कर रही है, माई बेटा खाती आशीर्वाद मांगती है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती। हमारे साथ काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी जो है पवन सिंह जुड़ गए बात करने के लिए, जो आज जा रहे हैं पोलिंग बूथों का जायजा लेने के लिए। हालांकि महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि काराकाट में लड़ाई अब त्रिकोणीय हो गई है, क्योंकि यहां से पवन सिंह ने निर्दलीय पर्चा भरा है और दावा भी दरअसल ये किया जा रहा है उनकी ओर से कि वो इस बार चुनाव जीत हासिल करेंगे। हालांकि इस बीच पवन जी, आप यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन आपके सामने चुनौती बड़ी है। एक तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, दूसरे उपेंद्र कुशवाहा जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, चुनौती कितनी बड़ी मानते हैं इसको? चारों तरफ से आशीर्वाद बा पवन के ऊपर। हमको हमारी लड़ाई यहाँ किसी से है ये नहीं है। हम चुनौती किसी को नहीं मानते हैं। हमसे जे बा वो बड़ बा। हम ही चाहब कि जनता के आशीर्वाद के साथे साथे एहू लोग के आशीर्वाद हमके मिले। आज वोटिंग का दिन है, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है महिलाओं को लेकर के, आप महिलाओं के विवाह को लेकर के आपने कहा है दरअसल कि अगर आप जीत जाते हैं तो आप अपने क्षेत्र में बेटियों की शादी फ्री में करवाएंगे अपनी सैलरी से। क्या आप कायम है वोटिंग वाले दिन तक इस बात पर? बिल्कुल, मेरे दिल में यही अरमान है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ पवन के लिए चारों तरफ से दुआ निकले, आशीर्वाद निकले। मुझे काराकाट की जनता की खुशी में ही हमारी खुशी है। बेटियों का वोट मिलेगा आपको, आपकी किस तरीके? बिल्कुल, हमार माई मंदिर में बैठ के पूजा कर रही है, हमार बहन मंदिर में बैठ के पूजा कर रही है, भाई के लिए दुआ कर रही है, माई बेटा खाती आशीर्वाद मांगती है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। कास्ट फैक्टर पे बात कर लेते हैं, कास्ट फैक्टर पे यहाँ पे राजपूत समाज के वोटरों का बंटवारा अगर होता है, अगर ठाकुर वोट बढ़ते हैं तो लगता है आपका एनडीए में जाएंगे वोट? वो ठाकुर वोट बढ़ते हैं तो ठाकुर वोटरों को लेके बात करूंगी मैं आपसे, क्योंकि यहाँ पे मतदाता ज्यादा है, ठाकुर वोटर ज्यादा है। लगता है आपको किस बार बंटवारा होगा तो फायदा आपको भी होगा। हमारे ऊपर सबका आशीर्वाद है, चारों तरफ से आशीर्वाद है। आप जीत को लेकर? जी बिल्कुल। कितने वोटों से? अभी हमारी जनता से ही पूछी, जनता ही बताएंगे। बातचीत करने के लिए तो ये पवन सिंह हैं जिनसे हम बात कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि इनकी माँ इनकी बहनें सारी पूजा कर रही हैं, इनका मुकाबला किसी से नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ जीतने आए हैं, किसी को हराने के लिए नहीं आए हैं। हालांकि देखना ये होगा कि पवन सिंह को लेकर काराकाट की जनता क्या मन बना रही है।